जी ने बताया, मैं देश में एक अभियान चला रहा हूं, कर्ज मुक्त भारत अभियान, और देश में हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में है। यहां भी राजेश्वर भाई गुजराती में बोल रहे थे, मैं गुजराती बोल नहीं पाता बट मैं समझ लेता हूं, वो बता रहे थे गाड़ी का लोन होगा, बाइक का लोन होगा, किसी के पास किसान का लोन होगा, किसान क्रेडिट कार्ड का होगा, किसी ने बच्चे की पढ़ाई के लिए लोन लिया होगा, घर के लिए लोन, कोई ना कोई लोन, कोई ना कोई कर्जा होगा और कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। और लोगों को क्या लग रहा है, लोगों को लग रहा है इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। नहीं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं, जो लॉकडाउन लगाया गया बिना तरीके से, जो GST अप्लाई किया गया, जो नोटबंदी की गई, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे और इतना ज्यादा फंस गए हैं कि आज एक आंकड़ा बताता हूं आपको, 30,000 से ज्यादा लोग कर्जे के कारण सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। और दुख कब होता है, दुख तब होता है जब बेंगलोर की घटना पता चलती है कि एक पढ़े लिखे इंजीनियर ने अपनी 2 साल की बेटी को पानी में डुबो कर मार दिया क्योंकि वो खाना मांग रही थी और उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था, वो अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहा था। पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो नौकरी छूटी उसके बाद उसे रोजगार नहीं मिला, धक्के खाता रहा, कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए, कोई काम नहीं मिला, अब वो जेल में चला गया, बेटी दुनिया में रही नहीं, पूरा परिवार तबाह हो गया। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, बड़े बड़े छोटे छोटे सभी लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि सरकार का इस पर ध्यान ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद जो नौकरियां छूटी, जो व्यापार बंद हुए, स्थिति बहुत खराब है। और मैं भी गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे पर हूं, आज दूसरा दिन है, इसके बाद यहां से हम भरूच जाने वाले हैं और समय भी बहुत कम है, समय की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। कल हम लोग वडोदरा में थे, सुबह हम लोग अहमदाबाद मिले, कल हम सूरत मिलने वाले हैं सुबह में। जनता से मिल रहा हूं, संवाद कर रहा हूं, इससे पहले वेस्ट बंगाल गया था, उससे पहले महाराष्ट्र में था, मैं मुंबई के दौरे पर था, अभी मैं उत्तर प्रदेश जाने वाला हूं, बिहार जाने वाला हूं, अलग अलग राज्यों में जा रहा हूं, लोगों से संवाद कर रहा हूं। सच में लोगों की समस्या बहुत गंभीर है और हर दिन ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। और आप सबको भी सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये समय संगठित होने का है, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, एक दूसरे की मदद करने का है। यदि आप में से कोई कर्जे की दलदल में है या आपको पता चलता है कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को हल करने की कोशिश करिए, समाज को संगठित करने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टांगे खींचने वाले हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ काम करने वाले हैं। और समाज में ऐसे जो भी लोग मिले जो जोड़ने का काम करते हो उनका साथ दीजिए, और जो तोड़ने का काम करते हो उनका साथ मत दीजिए। जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज के सबसे बड़े दुश्मन वही हैं, चाहे वो जाति के नाम पर करते हो, ऐसा धर्म के नाम पर करते हो, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी भी आधार पर समाज को बांटने वाले लोग समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं, और भाई को मैंने अभी बात कर रहा था, मैं उसको जिम्मेदारी देकर के जा रहा हूं। यदि आपके गांव में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्जे में फंसा हुआ है, कर्जा नहीं चुका पा रहा, कोई समस्या आ रही है, वो मुझसे बात करें, मेरी टीम से बात करें, मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपका पूरे का पूरा कर्जा माफ करवाने की, कर्जा उतरवाने की, किसी भी तरह का कर्जा हो आपके ऊपर। घबराना नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाना, कोई गलत फैसला लेने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने जब कर्जा लिया, गाड़ी के लिए लिया, किसी और चीज के लिए लिया, खेती पर लिया, बच्चे की शादी के लिए लिया, तो यही सोच कर लिया होगा कि आगे कमाई हो जाएगी तो मैं चुका दूंगा, कमाई नहीं हो पाई इसलिए ही तो दलदल में फंसे। और इसमें आपकी गलती नहीं है, लॉकडाउन आपने थोड़ी लगाया, कोरोना आप थोड़ी लेकर के आए, जिन लोगों ने लगाया, जो लोग लेकर के आए उन लोगों के तो व्यापार तरक्की कर रहे हैं। और सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है किसी के साथ कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई समस्या है ही नहीं। तो मैं सरकार के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि वो ग्राउंड पर आकर उतरे तो सही, जनता से बात तो करें, पता चलेगा लोगों की हालत कितनी खराब है, और हर दिन हालत और खराब हो रही है। लेकिन ये तो समस्या है, समाधान क्या है? मैं अपनी तरफ से कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग फ्री दूंगा आपको, प्लस वित्त मंत्रालय से, भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। अभी लेटेस्ट की बात करूं तो 1,65,000 ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका डाटा लेकर के वित्त मंत्रालय भेजा गया है। 6 बार मेरा डेलीगेशन वित्त मंत्रालय जा चुका है, जल्दी ही भारत सरकार से बातचीत शुरू की जाएगी। साथ में हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गुजरात के लोगों का और देश के लोगों का कर्जा इस पर संज्ञान लें और देखें जिनकी समस्या गंभीर है उनका समाधान करें। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक PIL लगाएं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाएं सुप्रीम कोर्ट में, कि सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ कर सकती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दे सकती है, तो आम इंसान का 10, 20, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता। और मेरे हिसाब से होना चाहिए।
और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या होना चाहिए आम इंसान का कर्जा माफ के नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं जोश में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, और सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी कि जनता भी चाहती है कि कर्जा माफ होना चाहिए। कर्जा बहुत